हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। सांसद बनने के बाद कंगना ने कई बार अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर उनको सलाह भी दे चुके हैं। इस बीच कंगना का एक और बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में निरस्त कृषि कानून को वापस लाना चाहिए। कंगना ने यह बयान ऐसे समय दिया जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य में किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम होते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि किसान भारत के स्तंभ हैं और उन्हें अपनी समृद्धि के लिए कृषि कानून की मांग करनी चाहिए। कंगना के इस बयान से कांग्रेस और बीजेपी पर हमले करने का मौका मिल गया है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें कंगना कह रही है कि कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वह विवादास्पद हो सकता है। वे किसानों के हित में किसानों को कृषि कानून को वापस लाने की मांग करनी चाहिए ताकि वे समृद्ध हो सके। केवल कुछ राज्यों ने कृषि कानून पर आपत्ति जताई। मेरा आग्रह है कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अगर बीजेपी उनकी टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा किसानों पर हमला करने के लिए कंगना को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करना एक सोची समझी चाल है। बीजेपी को किसानों और कृषि कानूनों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इन विनाशकारी कानूनों पर जोर देने के बजाय कंगना को राजनीति से दूर जाना चाहिए और अपने बॉलीवुड करियर को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कंगना के इस बयान से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है।